सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओम सरोकार में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक रहेगा हमारा लोक देवता। ये टॉपिक ऐसा है जो कि आपके किसी भी कंपटीशन में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लोक देवता हम इस तरह से पढ़ेंगे आज दोस्तों, तो जीके हमने अब तक रटा है ना, उसे जीके को रटना भूलना है, बिल्कुल रटना भूलना है। और चुटकियों में राजस्थान जीके को हमें याद करना है, जो हमारा एग्जाम प्रेशर होता है उस एग्जाम प्रेशर को खत्म करके केवल चुटकियों में हमें वो याद करना है। लोक देवता ये होता क्या है दोस्त, सबसे पहले हम ये देखें, लोक माने होता है लोक, देवता का मतलब होता है भगवान। यानी हम सीधे सीधे शब्दों में कहें दोस्तों कि लोगों ने जिसको देवता मान लिया है वो क्या कहलाते हैं, लोक देवता कहलाते हैं। अब इनको देवता की उपाधि किसके आधार पर दी गई, उनके ज्ञान के आधार पर, धार्मिक आधार पर, धार्मिक ज्ञान के आधार पर, सामाजिक ज्ञान के आधार पर, या लोक कल्याणकारी कार्य के लिए। लोक कल्याणकारी कार्य के लिए जो लोगों ने कार्य किए उनके आधार पर लोगों ने उनको किसकी उपाधि दे दी, देवता की उपाधि दे दी, और वो क्या कहलाए, लोक देवता बन गए। अब दोस्तों सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा पंचपीरों से। राजस्थान के कुछ लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि पंचपीर होते कौन है और इन्हें पंचपीर कहते क्यों है। सबसे ज्यादा हमें यही दिक्कत देती है, बच्चे रट्टा मारते हैं कि पंचवीर होते क्या हैं, किताबों में देखते हैं और भूल जाते हैं। तो आज हम इसका ऐसा हल निकालेंगे दोस्तों जो कि आपका चुटकियों में आप इसको याद कर लेंगे। देखो दो धर्म आपने पढ़े हैं, एक धर्म होता है हिंदू धर्म और एक होता है मुस्लिम धर्म। एक हिंदू धर्म और एक मुस्लिम धर्म। दोस्तों जो ये हिंदू धर्म है इसमें देवी देवता आप जानते हैं, जो देवता होते हैं उन्हें देवी देवता कहा जाता है, भगवानों को। और जो मुस्लिम धर्म होता है उसमें देवी देवताओं को क्या कहा जाता है, इसमें पीर कहा जाता है। अब हम कहें कि राजस्थान के पांच लोक देवता ऐसे हैं, राजस्थान के पांच लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। इन दोनों के पूजने के कारण इन पांच लोक देवताओं को अपन क्या कहते हैं, पंचपीर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, पंचपीर कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि पंचपीर कैसे कहते हैं, ऐसे लोक देवता जिनकी हिंदू भी पूजा करते हैं और मुसलमान भी पूजा करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वो पंचपीर कहलाते हैं। हम पंचपीर को केवल एक ट्रिक के माध्यम से एक चुटकी में याद कर लेंगे जो कि आपको जिंदगी भर याद रहेगा, उसको आप कभी नहीं भूल सकते। तो पंचपीर किस तरह याद करें हम देखो दोस्तों, पहले इस पंचपीर याद करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके जो दोस्त हैं वो इस क्लास का फायदा उठा सके, लाभ उठा सके। और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका फायदा मिल सके। बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इस पंचपीरों की, जिससे कि आप, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, इसलिए आप इसको शेयर करो। देखो पंचपीर की ट्रिक मैं आपको बताता हूं, केवल एक मिनट में आप इस पंचपीर को याद कर लोगे। देखो एक शब्द याद रखना दोस्तों, केवल राम गोपाल है। अपन सुबह सुबह उठते हैं और भगवान राम का नाम लेते हैं। क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और किसका नाम लेते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं। और राम को ही अपन किसके नाम से जानते हैं, गोपाल के नाम से जानते हैं। यानी राम ही कौन है, गोपाल है। केवल इतना याद कर लो दोस्तों, पंचपीरों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको पंचपीर कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, अगर आपको इतना याद रह गया कि राम ही कौन है, गोपाल है। केवल इस लाइन को रिपीट करते रहना कि राम ही कौन है, गोपाल है, उसमें आप इन पंचपीरों को आराम से याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे। देखो रैसे एक शब्द बनाना, रामदेव। रैसे क्या बनाना है अपन को, रामदेव। मैं से एक शब्द बनाना दोस्तों, मेहाजी। मेहाजी मांगलिया,
मैं से क्या बनाओगे आप? मेहाजी मांग लिया। गे से एक शब्द बनाना गोगाजी। गे से क्या बनेगा? गोगाजी। पैसे क्या बनाओगे? पाबूजी। पैसे क्या बनेगा आपका? पाबूजी। और हैसे क्या बनेगा? हड़बूजी। ऐसे क्या बना? हड़बूजी। आप केवल इतना याद रख लेना, रामी कौन है? गोपाल है। और आपके पंच पीरों की टेंशन खत्म हो जाएगी, पंच पीर आपके खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, आप उनको कभी नहीं भूल पाओगे। केवल एक लाइन के माध्यम से हम पांचों लोक देवता जो पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं उनको हम आराम से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है दोस्तों उसकी, पंच पीर की ट्रिक क्या है? ध्यान रखना कि रामी कौन है? गोपाल है। रामदेव, मियाजी मांग लिया, बाबूजी, गोगाजी और हड़बूजी। शानदार ट्रिक आपको बताई है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे उतारना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको उतार लो, फिर इसकी आगे बातें करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, उतारने के लिए तो इतना टाइम नहीं है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको ज्यादा से ज्यादा हो सके सेशन को शेयर करो जिससे कि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सके। अब हमारी जो दूसरी ब्रांच है वो इस सिमलवाड़ा से सागवाड़ा, भी बहुत जल्द ऑनलाइन क्लास आपकी शुरू होने वाली है। अभी तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासे हैं वो सिमलवाड़ा से ही चल रही हैं, लेकिन कुछ दिन में अपन सागवाड़ा से भी ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उतार लिए क्या सबने? ये कितने पंचवीर पढ़े अपन ने? पांच। हमारे पंचवीर कितने हैं दोस्तों? पांच हैं। ऐसे लोक देवता जिनके हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से पूजा करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पंचपीर कहलाते हैं। और इस पंचपीरों में हमने पांचों को याद कर लिया है। और पहला जो पंचपीर आता है दोस्त वो आता है हमारा रामदेव। कौन सा लोक देवता आता है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को हमें एक कहानी के तौर पर पढ़ना है, केवल एक स्टोरी के आधार पर पढ़ना है जो कि हम कभी नहीं भूले उसको। अपन रट्टा मारेंगे तो किसी ना किसी चीज को अपन भूल जाते हैं, और रट्टा मारी हुई चीज ज्यादा दिन चलती नहीं है। लेकिन रामदेव को हमें केवल एक कहानी बनानी है, और उस कहानी के आधार पर हमें रामदेव पूरा क्लियर कर देना है। इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखो बाबा रामदेव, पहले तो इसके उपनामों की बात कर लेते हैं। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपनाम बाबा रामदेव के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके उपनामों की बात करते हैं, तो ध्यान रखो इसका पहला जो नाम है वो नाम है इसका रमसापी। इसके जो उपनाम है वो पहला नाम इसका क्या है? रमसापीर। अब हम इसको याद कैसे करें कि सर इसको रमसापीर क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है कि इसको रमसा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो देखो इनको रमसा पीर क्यों कहते हैं। मैंने अभी बताया कि पंच पीर किसे कहते हैं, कि ऐसे लोक देवता जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। तो देखो हिंदू तो इसको राम मान के पूजा करते हैं। हिंदू इसकी कैसे पूजा करते हैं? राम के नाम से इसकी पूजा करते हैं। और जो मुसलमान लोग होते हैं, मुसलमान जो भाई हैं, वो इसकी किसकी पूजा करते हैं? वो पीर मान के इसकी पूजा करते हैं। वो क्या मान के इसकी पूजा करते हैं? पीर मान के इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? रमसा पीर। इसका पहला उपनाम क्या पड़ गया? रमसा पीर। केवल ध्यान रखना कि हिंदू लोग इसके राम के नाम से पूजा करते हैं, और मुसलमान लोग इसे क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। और नाम क्या पड़ जाएगा इसका? रमसा पीर। एक उपनाम इसका क्लियर है। देखो दूसरा उपनाम, इसका दूसरा उपनाम इसकी बात करें तो इसको कहा जाता है रुड़ेचारी धड़ी। इसको क्या कहा जाता है? रुड़ेचारी धड़ी। इसका दूसरा उपनाम क्या है रामदेव जी का? रुड़ेचारी धनी। अब इसको रुड़ेचारी धनी क्यों कहते हैं? देखो रुड़ेचा एक स्थान का नाम है। रुड़ेचा क्या है? एक स्थान का नाम है, एक गांव का नाम है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। कहां पर है वो? राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। और धड़ी का मतलब होता है दोस्तों मालिक। धड़ी का मतलब क्या होता है? मालिक। यानी जो रुड़ेचा गांव है वो बाबा रामदेव की कर्म स्थली रही है, समाधि स्थल है। जो सबसे बड़ा इसका जो मंदिर जिसे रामदेवरा कहा जाता है, वो रामदेवरा विराजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों? वो रुड़ेचा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रुड़ेचा में स्थित है। इसलिए बाबा रामदेव को इसकी कार्यस्थली और समाधि स्थल के कारण क्या कहा जाता है? रुड़ेचारी धड़ी कहा जाता है। किसको? बाबा रामदेव को। तो इसके दो उपनाम आपको क्लियर हो गए होंगे, रमसा पीर, और दूसरा इसका उपनाम क्या है? रुड़ेचारी धड़ी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम इसका निकल के आता है उसको ध्यान देना आप दोस्तों, इसको कहा जाता है बावेरी बीच। इसे क्या कहा जाता है? बावेरी बीच कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है सर? ये जो बावेरी बीज है दोस्तों, ये गुजराती भाषा का शब्द है। ये जो बावेरी बीज है वो किस भाषा का शब्द है?
वो गुजराती भाषा का शब्द है। बाबेली बीज का मतलब होता है दूध। बीज का मतलब क्या होता है? दूध होता है। इसे बाबेरी बीज क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसकी थोड़ी सी बात करें तो बाबा रामदेव का जन्म हिंदू महीने में, जो सबसे पवित्र महीना होता है हिंदू कैलेंडर में, कौन सा महीना? भादोपद। कौन सा महीना? भादोपद। जो महीना सबसे पवित्र माना जाता है, उस भादोपद में महीने में जन्म हुआ था किसका? बाबा रामदेव का। किसका? बाबा रामदेव का। और इसी भादोपद में जन्म हुआ था किसका? भगवान श्री कृष्ण का। इसलिए इसे भगवान का दूत कहा जाता है। बाबेरी बीज का मतलब होता है भगवान का दूत। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ये गुजराती भाषा का शब्द है। कौन सा? बाबेरी बीज। और किस लोक देवता को इसके नाम से जाना जाता है? बाबा रामदेव को इसके नाम से जाना जाता है। तो तीन उपनाम शायद मैं उम्मीद करता हूं आपको कि आप इसको कभी रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, केवल एक कहानी के आधार पर याद रख लेना। रमसा पीर, क्योंकि हिंदू इसको राम के नाम से और मुसलमान इसको पीर के नाम से पुकारते हैं, इसलिए रमसा पीर के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका जो उपनाम आता है वो आता है रुडेचारी धनी, यानी जो रुडेचा स्थान है जैसलमेर में, जहाँ इसका सबसे बड़ा मंदिर है राजस्थान में, रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। उसके मालिक, उसकी कार्यस्थली, समाधि स्थल के कारण इसे रुड़ेचारी धनी कहा जाता है। और तीसरा जो उपनाम निकलता है दोस्तों इसका, वो निकलता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे पवित्र महीने भाद्रपद में हुआ था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे बाबेरी बीज कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है भगवान का दूध। तो तीन नाम शायद आपको याद हो गए होंगे, और एक नाम और इसका है, उस नाम को अपन देखते हैं। देखो इसका जो चौथा उपनाम है, उपनामों में हम बात करें तो एक नाम और इसका रह जाता है। कौन सा? पीरों का पीर। ये भी बहुत बार एग्जाम ने पूछा है, पीरों का पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो ये भी भगवान रामदेव को कहा जाता है, बाबा रामदेव को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपने कहानी सुनी होंगी कि मक्का से जो पीर आए थे, मक्का से जो पांच पीर आए थे बाबा रामदेव की परीक्षा लेने के लिए, इसके चमत्कारों को देखने के लिए, जो मक्का से पांच पीर आए, उन पांच पीरों ने रामदेव का जब चमत्कार देखना चाहा और बाबा रामदेव ने उनको अपना चमत्कार दिखाया, उस चमत्कार के कारण उन पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं, हम तो कौन हैं? पीर है, लेकिन आप तो क्या हैं? पीरों के पीर है। आप तो क्या हैं? पीरों के पीर है। वो तो बाबा रामदेव का जो चौथा उपनाम पड़ा दोस्तों, वो क्या पड़ा? पीरों का पीर पड़ा। क्या पड़ा? पीरों का पीर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका, कि पीरों का पीर किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव को कहा जाता है। रुड़ेचारी धड़ी किसे कहा जाता है? बाबा रामदेव को कहा जाता है। तो ये चारों उपनाम आपको याद हो गए होंगे बाबा रामदेव के। इसकी आगे देखते हैं कहानी, थोड़ा सा इसका सामान्य परिचय कर लेते हैं, सामान्य परिचय के बाद इसकी कहानी सुनते हैं अपन। बाबा रामदेव का सामान्य परिचय कर लेते हैं। इसके जो पिताजी थे, पिताजी का नाम था अजमल तंवर। बाबा रामदेव के पिताजी का नाम क्या था? अजमल तंवर था। और जो इसकी माताजी थी, इसकी जो माताजी थी, उस माताजी का नाम था मैड़ा देव। माता का नाम क्या था? मैड़ा देव था। जन्म इसका अभी बताया, जन्म इसका हुआ था बाड़मेर जिले में। इसको थोड़ा ध्यान देना दोस्तों, इसको थोड़ा हाईलाइट करना, क्योंकि अपन ने इसके बारे में जो विस्तार पढ़ेंगे, इसकी जो कार्यस्थली और इसका जो समाधि स्थल पढ़ेंगे, वो अपन इसको पढ़ेंगे कहाँ पर? रुड़ेचा जैसलमेर में, जहाँ इसका सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है, जिसे रामदेवरा कहा जाता है। लेकिन इसका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। और बाड़मेर में कौन सी तहसील थी? सिर्फ तहसील थी। बाड़मेर में कौन सी तहसील थी? सिर्फ तहसील थी। और गांव था, उस गांव को ध्यान रखना, गांव था उंड कश्मीर। गांव कौन सा था? उंड कश्मीर। देखो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी जो कार्यस्थली रहेगी, जो समाधि स्थल रहेगा, वो रुड़ेचा गांव जैसलमेर में रहेगा, वहीं इसका मेला भरता है। लेकिन इसका जो जन्म होता है ना दोस्तों, वो बाड़मेर में होगा। किस तहसील में होगा? सिम में होगा। गांव कौन सा है इसका? उंड कश्मीर। किस गांव में होगा? उंड कश्मीर। तो हम एक थोड़ा सा ट्रिक इसके बना लेते हैं कि बाड़मेर पर जब संकट आएगा,
बाड़मेर पर जब संकट आएगा तो भगवान शिव कश्मीर से उड़कर कहां आ जाएंगे, बाड़मेर आ जाएंगे। कहां जाएंगे, बाड़मेर आ जाएंगे। तो थोड़ा इस तरह याद रख लेना कि बाड़मेर पर जब संकट आया तो भगवान शिव कश्मीर से उड़कर कहां आ गए, बाड़मेर में आ गए। और भगवान रामदेव का जन्म आपको याद हो जाएगा कि भगवान रामदेव का जन्म कहां हुआ है, बाड़मेर जिले की सिद्ध तहसील में, गाँव कौन सा है, उंड कश्मीर है। किस महीने में हुआ भादोपद, किस महीने में भादोपद शुक्ल द्वितीया को, भादोपद शुक्ल द्वितीया को अगर ईस्वी की बात करें तो ईस्वी कितना था 1405, ईस्वी कितना था 1405 ईस्वी। तो इसका थोड़ा सा सामान्य परिचय इसको देख लेना। एक इसका गुरु का नाम बहुत पूछा जाता है, बाबा रामदेव के गुरु, गुरु का नाम था बालीनाथ, गुरु का नाम क्या था बालीनाथ। और इसके बाबा रामदेव का एक मौसेरा भाई और है हड़बू जी सांकला, वो भी पंच पीरों में शामिल है, हड़बू जी सांकला। इसका भी गुरु का जो नाम था वो भी क्या था, वो बालीनाथ था। इन दोनों के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ था। और राजस्थान में बालीनाथ जी का जो मेला भरता है वो मसूरिया पहाड़ी पर भरता है, कहां भरता है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। ये क्वेश्चन आरपीजीएससी ने पूछा है कि राजस्थान में बालीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है, तो कहाँ पर भरता है, वो मसूरिया जोधपुर में भरता है। बाबा रामदेव का मेला कहाँ भरता है, वो रोडेचा गांव जैसलमेर में भरता है। तो हड़बू जी सांकला और बाबा रामदेव के जो गुरु रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो बालीनाथ रहे हैं। मंदिर कहाँ रहा है उनका, मसूरिया जोधपुर में रहा है। एक आएंगे गोगा जी, उनके गुरु का नाम रहेगा गोरखनाथ जी। तो इनको थोड़ा गुरु उनको ध्यान रख लेना। इसका सामान्य परिचय हमने देखा कि पिता का नाम क्या है, अजमल तंवर है। माता का नाम क्या है, मेड़ादे है। जन्म कहाँ हुआ है, बाड़मेर जिले की सिद्ध तहसील में हुआ है। कौन सा गाँव है, उंड कश्मीर है। भादो शुक्ल द्वितीया को हुआ है, सन कितना था 1405 ईस्वी में। गुरु कौन थे, बालीनाथ थे। और इसको थोड़ा सा शेयर करो और इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसकी आगे बात करते हैं। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, अभी लाइव कम है भाई, इसको शेयर करो सेशन को और ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करो। सभी को गुड मॉर्निंग, कुछ बच्चे हैं गुड मॉर्निंग, हाय सर गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को श्री राधे राधे, सभी को गुड मॉर्निंग। ही रवि मीना, दिलीप राहुत, चेतन परगी, कमलेश, राकेश जकड़वार जी गुड मॉर्निंग सर, रवि मीना, कमलेश डिंडोर गुड मॉर्निंग। देखो दोस्तों आगे इसकी बात करते हैं। सामान्य परिचय के बाद अपन इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो इसका जन्म कहाँ हो गया, बाड़मेर में। जन्म कहाँ हुआ इसका, बाड़मेर। बाड़मेर के पास में ही एक स्थान पड़ता था, कौन सा दोस्तों, अमरकोट। कौन सा, अमरकोट, जिसे उमराकोट के नाम से भी जाना जाता था। इसी अमरकोट को सियालकोट भी कहा जाता था, जिसमें अकबर का जन्म हुआ है। इसी अमरकोट का जो शासक था उस समय कौन सा व्यक्ति था, दल्ले सिंह था। यहाँ का शासक कौन था दोस्तों, दल्ले सिंह था। और इस दल्ले सिंह की एक पुत्री थी नेतल दे। इसकी पुत्री का नाम क्या था, नेतल दे। किसकी पुत्री थी, दल्ले सिंह की। कहाँ का शासक है, अमरकोट का। रामदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं, अभी बाड़मेर के। तो क्या होता है दोस्तों, जो नेतल दे थी वो जीवन से इसको जो होते हैं ना आनुवांशिक जो बीमारी होती है, उस बीमारी से जूझ रही थी। कौन सी, नेतल दे राजकुमारी। दल्ले सिंह ने इसकी बहुत दवाइयां करवाई। गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग, परेश सिंह व्यवहार भरतपुर गुड मॉर्निंग। तो ये जो नेतल दे थी वो क्या थी, वो जन्म काल की ही एक बीमारी, आनुवांशिक बीमारी से जूझ रही थी। उसको दल्ले सिंह ने बहुत जगह आयुर्वेदिक दवाएं जो भी इसके चिकित्सा करा सकते थे उन्होंने कराए, लेकिन इसको कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो इस
उसके बाद पता क्या लगता है कि रामदेव जी पहुंच जाते हैं कहां पर, अमरकोट। रामदेव जी कहां पहुंच जाते हैं, अमरकोट पहुंच जाते हैं, और अमरकोट में जाके नेतल देव का क्या करते हैं, वो उपचार करते हैं, चिकित्सा करते हैं, और ये नेतल देव जी क्या हो जाती है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। नेतल देव को ये क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्वस्थ कर देते हैं। किस महिला को, नेतल देव को। किसकी राजकुमारी है ये, अमरकोट की। किसकी पुत्री है, दल्ले सिंह की। और दल्ले सिंह इससे खुश होकर इस नेतल देव का विवाह कर देता है, किससे, बाबा रामदेव से। विवाह किससे कर देता है इसका, बाबा रामदेव से इसका विवाह कर देता है। कौन सा व्यक्ति, दल्ले सिंह। कहाँ की राजकुमारी, अमरकोट की है। अब विवाह करने के बाद नेतल देव कहाँ जाती है, बाड़मेर में आ जाती है। कहाँ जाती है, बाड़मेर में आ जाती है। बाबा रामदेव की फैमिली और बढ़ गई, माता दी पिताजी के साथ अभी एक और महिला जुड़ जाती है इसकी फैमिली में, कौन, नेतल देव। इसके आगे क्या होता है देखो, अभी तो रामदेव का जो स्थान है वो कहां पर है, वो बाड़मेर ही चल रहा है। कहां चल रहा है, बाड़मेर चल रहा है। फिर एक स्थान आता है आपका सातलमेर। देखो एक स्थान है कौन सा, सातलमेर। और इस सातलमेर पर, इस सातलमेर पर एक राक्षस रहता था। कौन सा राक्षस दोस्तों, भैरव राक्षस। कौन सा राक्षस रहता था, भैरव नामक राक्षस रहता था। कहां पर, सातलमेर में। ये वही सातलमेर है जिसको रावजोधा का एक पुत्र सातल देव यहां बसाता है, सातलमेर में। और इस सातलमेर पर किसका अधिकार था, भैरव नामक राक्षस का अधिकार था। जो भैरव नामक राक्षस ने यहां पर त्राही त्राही मचा रखी थी। क्या मचा रखी थी, त्राही त्राही मचा रखी थी। पूरी तरह यहाँ के लोग थे जो परेशान थे, किससे, भैरव नामक राक्षस से यहाँ के लोग परेशान थे। तो रामदेव जी क्या करते हैं, सातलमेर जाते हैं, सातलमेर जाते हैं और वध कर देते हैं किसका, भैरव नामक राक्षस का वध कर देते हैं। कौन से व्यक्ति, बाबा रामदेव। कौन से व्यक्ति, बाबा रामदेव। इस भैरव नामक राक्षस का वध कर देते हैं और वहां के लोगों को इस भैरव नामक राक्षस की तराई से क्या दिलवा देते हैं, मुक्ति दिलवा देते हैं। और मुक्ति दिलवा कर जो ये अपवित्र हो चुका था, सातलमेर क्या हो चुका था, अपवित्र हो चुका था। इसको पवित्र करके, इसको पवित्र करके पुनः बसाते हैं। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि पोकरण में भैरव नामक राक्षस का वध किया था, लेकिन जो पोकरण थी वो पहले सातलमेर था। जो पोकरण था वो पहले क्या था, वो सातलमेर था। सातलमेर पर अधिकार था किसका, भैरव नामक राक्षस का। बाबा रामदेव इसका वध करते हैं और जो अपवित्र हो चुका था कौन सा, सातलमेर, इसको पवित्र करते हैं और पुनः बसाते हैं। इस सातलदेव, सातलमेर को पवित्र करके पुनः बसाते हैं किस नाम से, पोकरण के नाम से। किस नाम से, पोकरण के नाम से इसको पुनः बसाते हैं, कौन, बाबा रामदेव। और ये बाड़मेर छोड़कर रामदेव अपने परिवार समेत किस स्थान पर आ जाते हैं, पोकरण नामक स्थान पर आ जाते हैं। वही पोकरण जो कि पहले सातलमेर के नाम से जाना जाता था, जिस पर भैरव नामक राक्षस अत्याचार किया करता था, अपवित्र किया हुआ था ये सातलमेर, उसको पवित्र करके पुनः बसाते हैं किस नाम से, पोकरण के नाम से। ये वही पोकरण है, पोकरण के बारे में आप दोस्तों जानते होंगे, ये वो ही पोकरण है जिसने भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल कर लिया। शक्तिशाली देशों की पंक्ति में भारत भी आकर खड़ा हो गया, क्योंकि 1974 में भारत ने यहाँ पर ही, भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था, वो पोकरण नामक स्थान पर ही हुआ था। उस परीक्षण के बाद हम दुनिया की महाशक्तिशाली शक्तियों में शामिल हो गए, और आज हम दूसरा जो परीक्षण हमने परमाणु का किया वो भी पोकरण में ही किया था। यानी दोनों जो परमाणु परीक्षण, भारत ने जो प्रथम परमाणु परीक्षण किए थे वो किस स्थान पर किए, वो पोकरण में किए। और पोकरण कहाँ है, तो ये राजस्थान के जैसलमेर में है। पोकरण कहाँ पड़ता है दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है। किसको मारकर इसको पवित्र किया था, बाबा रामदेव ने भैरव नामक राक्षस को मारकर यहाँ को पवित्र, सातलमेर को पवित्र करके किस नाम से बसा दिया था, पोकरण के नाम से बसा दिया था। इसकी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे इसकी बात करते हैं, और सेशन को और लाइव करो, शेयर करो, लाइक करो, और इसको सब्सक्राइब करो चैनल को। थोड़ी देर इसका वो लो, इतनी बात कमेंट देख लेता हूँ। रीना डामोर गुड मॉर्निंग सर, सुमित्रा डामोर गुड मॉर्निंग सर, रामलाल डामोर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग।
सभी अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि सभी इस क्लास का फायदा उठा सकें, सभी को लाभ मिल सके दोस्तों। जितना भी हो सके जितना इसको शेयर करो। गुड्डू फोटोग्राफी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग रवि मीना, गुड मॉर्निंग। देखो कौन सा शहर बसा दिया, पोकरण। कौन सा शहर, पोकरण। अब बाबा रामदेव बाड़मेर छोड़कर, अब बाबा रामदेव बाड़मेर छोड़कर कहाँ आ गए, पोकरण में आ गए। कहाँ आ गए, पोकरण में आ गए। कौन से व्यक्ति, बाबा रामदेव। कौन से व्यक्ति, बाबा रामदेव कहाँ गए, पोकरण में आ गए। कहाँ गए अब वो, पोकरण में आ गए और अपने पूरे परिवार के समेत। अब देखो क्या होता है, इसकी एक बहन है, इसकी एक सगी बहन है। एक तो इसकी धर्म की बहन आएगी दोस्तों, उसको भी अपन पढ़ेंगे कहानी के हिसाब से। लेकिन पहले बात कर लेते हैं किसकी, इसकी सगी बहन है सुगना भाई। सगी बहन कौन है, सुगना भाई। और परिवार अब इनका कहाँ गया, पोकरण में आ गया। कहाँ गया, पोकरण में आ गया। इस सुगना भाई को इस पोकरण से बहुत प्रेम था, इसको सुगना भाई को। अब ये सुगना भाई जैसे बड़ी हुई, रामदेव ने इसकी शादी करनी चाही, लेकिन सुगना भाई ने शादी करने से मना कर दिया। इसने कहा कि भाई मैं किसी भी हालत में पोकरण छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि सुगना भाई इस पोकरण से बहुत प्रेम करती थी, इसको पोकरण को बहुत पसंद करती थी। सुगना भाई ने कह दिया कि भाई मैं इस किसी भी हालत में पोकरण छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन रामदेव ने कहा कि बेटा बहन ऐसा करते हैं कि तुम पोकरण छोड़कर नहीं जाती है, तो आपका जो वो है उसको हम कहाँ कर देते हैं आपकी शादी, उसको बुलाकर पोकरण में ही आपकी शादी कर देते हैं। तो इस सुगना भाई जी के लिए क्या हुआ, एक राज्य है कौन सा, पुंगलगढ़ एक स्थान था। किस जिले में, बीकानेर में। किस जिले में था पुंगलगढ़, बीकानेर में। और यहाँ का जो शासक था विजयसूप, कौन सा व्यक्ति, विजयसूप नामक एक व्यक्ति था, एक राजा था यहाँ का। इस विजयसूप की शादी कर देते हैं किससे, सुगना भाई से। किससे, सुगना भाई की शादी की जाती है किससे, विजयसूप से। कहाँ के शासक, पुंगलगढ़ के शासक विजय सिंह की शादी की जाती है किससे, सुगना भाई से। और रामदेव जी क्या करते हैं, इस पोकरण को दहेज में दे देते हैं। इस पोकरण को क्या करते हैं, वो दहेज में दे देते हैं किसको, विजयसूप को। यानी अपनी बहन सुगना भाई को दहेज में दे देते हैं। दहेज में दे देते हैं कौन सा स्थान, पोकरण। कौन सा स्थान, पोकरण। किसको दे दिया, इस विजयसूप को। कहां का शासक था, पुंगलगढ़ का। यानी विजयसूप पुंगलगढ़ छोड़कर अब कहां रहने लग जाएगा, सुगना भाई के साथ पोकरण में रहने लग जाएगा। जब बात आती है दहेज की, तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का एक दुर्ग भी है जिसको दहेज में दिया गया था। एक ऐसा दुर्ग जिसको राजस्थान में किस एक व्यक्ति को दहेज में दिया गया था, गुर्जर प्रतिहारों की इंदा शाखा ने। गुर्जर प्रतिहारों की इंदा शाखा ने राव चूड़ा को मंडोर का दुर्ग दहेज में दिया था। कौन सा दुर्ग दहेज में दिया था दोस्तों, मंडोर का दुर्ग दहेज में दिया था। और बाबा रामदेव ने अपनी बहन सुगना भाई को दहेज में दिया है कौन सा कस्बा, पोकरण कस्बा। किसको, विजयसूप को। कुछ किताबों में लिख रहा है कि रामदेव जी ने ये सुगना भाई को ना अपनी भतीजी को दिया था, लेकिन दोस्तों इसने अपनी बहन सुगना भाई को ही पोकरण क्या दिया था, दहेज में दिया था। जब ये पोकरण दहेज में दे दिया, क्या हुआ, जब पोकरण दहेज में दे दिया किसने, रामदेव ने, तो अब पोकरण कहते हैं कि शादी के बाद जो भाई होता है या पिता होता है, वो अपनी बहन का अन्न खाना भी पसंद नहीं करता है, जल पीना भी पसंद नहीं करता है। इसलिए बाबा रामदेव ने ये पोकरण छोड़ दिया। बाबा रामदेव ने क्या किया, ये पोकरण छोड़ दिया और एक नए स्थान के लिए इस पोकरण से निकल गया। कौन सा व्यक्ति, रामदेव जी। कौन सा व्यक्ति, रामदेव जी। और यह एक गांव के करीब पहुंच चुका था। कौन सा गांव, रुड़ेचा गांव। कौन सा गांव दोस्तों, रुड़ेचा गांव। किस जिले में पड़ता है, जैसलमेर में। रुड़ेचा गांव किस जिले में पड़ता है दोस्तों, जैसलमेर में पड़ता है। धूप हो चुकी थी और धूप से बचने के लिए रामदेव जी एक वृक्ष के नीचे आराम करने लग गए। कौन, रामदेव। कौन से व्यक्ति, रामदेव जी। जब रामदेव जी रुड़ेचा गांव के पास में आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक लड़की रोती हुई पहुंचती है किसके पास, रामदेव के पास। किसके पास, रामदेव के पास। वो लड़की रोती हुई आती है
रोती हुई आती है और बाबा रामदेव उससे रोने का कारण पूछते हैं कि बेटी तेरे को क्या हुआ है जिससे तू इतना परेशान है, इतना रो रही है, इतना आपको वो आपकी हालत खराब है। तो वो जो महिला थी, वो जो लड़की थी, वो इस बाबा रामदेव को अपना इंट्रोडक्शन देती है, इसको परिचय कराती है और उसे अपनी जो आप बीती हुई है, उसके साथ जो घटना हुई थी वो रामदेव जी को बताती है। तो दोस्तों आगे उसकी बात करते हैं। किस गांव में पहुंच चुके थे रामदेव जी? रुड़ेचा गांव में। कहां पर? रुड़ेचा गांव में। कौन से व्यक्ति? रामदेव। कौन से व्यक्ति? रामदेव। और उसी समय एक लड़की यहां पहुंचती है। कौन पहुंचती है? लड़की पहुंचती है। और उस लड़की का क्या नाम था दोस्तों? लड़की का नाम था डाली भाई। लड़की का नाम क्या था दोस्तों? डाली भाई था। केवल एक कहानी तरह समझना, एक स्टेप बाय स्टेप समझना कि पहले जो रामदेव जी थे कहाँ आए? पोकरण में आए। किसको मारकर? बैरम नामक राक्षस को मारकर उन्होंने पोकरण बसाया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? पोकरण में जब वो आ गए और उस वो पोकरण उसने क्या कर दिया? अपनी बहन सुगना भाई को दहेज में दे दिया। दहेज में देने के बाद कहते हैं कि जो पिता होता है, जो भाई होता है, अपनी बहन की शादी के बाद उसका जल पीना भी पसंद नहीं करता, इसलिए बाबा रामदेव ने पोकरण छोड़ दिया। क्या किया उसने? पोकरण छोड़ दिया। पोकरण छोड़ के नए स्थान के तलाश में निकल गए। जैसे ही वो रुड़ेचा गांव के पास, कौन से गांव के पास? रुड़ेचा गांव के पास पहुंचे, वहां उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। और उस लड़की का नाम क्या है दोस्तों? डाली भाई। इसको याद रखना, इसकी दो बहन, सगी बहन थी कौन सी? सुगना भाई, जिसको पोकरण दहेज में दिया था। उसको क्या दिया था? पोकरण दहेज में दिया था। और एक बहन और बनेगी इसकी, कौन सी बहन? डाली भाई। कौन सी बहन? डाली भाई। इस डाली भाई को वो बनाएगा धर्म की बहन। इसको क्या बनाएगा? वो धर्म की बहन बनाएगा। किसको? इस डाली भाई को। किसको? डाली भाई को। दोस्तों ध्यान रखना, सुगना भाई सगी बहन है, पोकरण दहेज में दिया जाएगा। डाली भाई धर्म की बहन है, इसको अपनी धर्म की बहन बनाएगा। कौन सा व्यक्ति? रामदेव जी। कहाँ बनाएगा? रुड़ेचा गांव। रुड़ेचा गांव राजस्थान में कहाँ है? जैसलमेर में है। जब ये डाली भाई इससे इसके पास पहुंचती है तो बाबा रामदेव इससे रोने का कारण पूछते हैं। तो डाली भाई इसको अपना रोने का कारण बताती है। ये जो डाली भाई थी ये मेघवाल जाति से थी। किस जाति से थी? मेघवाल जाति से थी। और मेघवाल जाति उस समय निम्न जाति हुआ करती थी। मेघवाल जाति कैसी जाति हुआ करती थी? निम्न जाति हुआ करती थी। इसलिए वहां के लोगों ने रुड़ेचा गांव में जो भेदभाव था, जो निम्न जातियों पर अत्याचार करने का, छुआछूत का जो प्रकोप था वो बहुत ज्यादा था। इसलिए डाली भाई जो निम्न जाति के होने के कारण इसके माता पिता की हत्या कर दी गई थी और इसको गांव से बाहर निकाल दिया गया था। किसको? इस डाली भाई को। किसको? इस डाली भाई को गांव से बाहर निकाल दिया। जब डाली भाई ने पूरी कहानी बाबा रामदेव को बताई तो बाबा रामदेव इस डाली भाई को यहां से ले जाकर कहां पहुंच जाते हैं? उसके गांव रुड़ेचा में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? रुड़ेचा में पहुंच जाते हैं। और बाबा रामदेव ने उस समय ठान लिया था कि जो समाज में व्यक्त भेदभाव है, जो छुआछूत है, जो निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उस भेदभाव को समाप्त करना है। इसलिए उन्होंने इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए दोस्तों एक पंथ की स्थापना की। जरा ध्यान दो यहाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही है। यहाँ ध्यान दो सभी लोग, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए बाबा रामदेव ने एक पंथ की स्थापना की दोस्तों। कौन सा पंथ? कांवड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कांवड़िया पंथ की स्थापना की। कांवड़िया पंथ की स्थापना क्यों की? आपसे पूछे कि कांवड़िया पंथ की स्थापना क्यों की दोस्तों? तो ध्यान रखना, भेदभाव को समाप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? भेदभाव को समाप्त करने के लिए बाबा रामदेव ने राजस्थान में एक पंथ चलाया था। कौन सा पंथ? कांवड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कांवड़िया पंथ। और इस कांवड़िया पंथ की जो प्रेरणा मिली थी उन्हें कहां से मिली? अपनी धर्म की बहन डाली भाई से, जो कि इस भेदभाव की, इस छुआछूत का शिकार हुई थी। कौन सी बहन? डाली भाई। इसके कहने पर इसने इस छुआछूत को, भेदभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान में पंथ की स्थापना की। और कौन सा पंथ? कांवड़िया पंथ। कौन सा पंथ? कांवड़िया पंथ राजस्थान में कहां चलाया? रुड़ेचा गांव में। कहां पर? रुड़ेचा गांव जैसलमेर में। किसने? बाबा रामदेव ने। किसने? बाबा रामदेव ने। इसी रामदेव जी की एक शिष्या थी,
इसके ध्यान रखना, जब पंथ की बात अपन कर रहे हैं तो थोड़ा और डीपली जाते हैं। बाबा रामदेव की एक शिष्या थी, उस शिष्या का नाम है आई माता। इसकी शिष्या थी कौन? आई माता। आई माता ये वो ही आई माता है। कौन सी आई माता? जिसका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। कहां पर? बिलाड़ा जोधपुर में, जिसकी की ज्योति से लौ से क्या टपकता है? केसर टपकता है, वो ही आई माता है। कौन सी आई माता? जोधपुर बिलाड़ा वाली, जिसकी लौ से, जिसकी ज्योति से क्या टपकता है दोस्तों? आज भी केसर टपकता है। वो किसकी शिष्या थी? रामदेव जी की शिष्या थी। और इस आई माता ने एक पंथ चलाया था दोस्तों। कौन सा पंथ इसने, कौन सा पंथ चलाया था? इसने पंथ चलाया था दोस्तों आई पंथ। कौन सा पंथ? आई पंथ चलाया था किसने? आई माता ने। कांवड़िया पंथ चलाया था दोस्तों किसने? रामदेव ने। किसने? रामदेव ने। तो दोनों पंथ ध्यान रखना, आई पंथ की स्थापना करेगी इसकी शिष्या आई माता, और कांवड़िया पंथ की स्थापना करेगा कौन सा व्यक्ति? बाबा रामदेव जी। क्यों करेगा? भेदभाव को और समाज में व्यक्त छुआछूत को समाप्त करने के लिए कांवड़िया पंथ चलाया जाएगा। किसके द्वारा? बाबा रामदेव के द्वारा। किसके द्वारा? बाबा रामदेव के द्वारा। इसके धर्म की बहन कौन बन गई? यहाँ पर दाली भाई बन गई। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको शेयर करो, फिर इसकी और इंटरेस्टिंग जो कहानी है अभी वो पूरी बाकी है, फिर इसको आगे देखते हैं, इसको और आगे बढ़ाओ, इसको जितना हो सके जितना शेयर करो, जिससे सभी स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। क्योंकि आपको पता है दोस्तों राजस्थान पुलिस में ज्यादा वक्त नहीं है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 13 मई से 16 मई के बीच होने वाली है, और आपकी जो रीट है उसमें भी आपके लिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। और ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों, परीक्षा किसी की भी हो, इसमें कल्चर से, राजस्थान कला संस्कृति से ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, चाहे L1 हो, चाहे L2 हो, पटवार हो, रीट हो, कुछ भी हो, इससे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है। और हमको जीके इस तरह पढ़नी है दोस्तों, अब की जो हमने पुरानी हमारी जो प्रथा चली आ रही है राजस्थान जीके को रटने की, वो रटना हमें खत्म करना है, केवल रचना करनी है। जो मेरा मेन उद्देश्य है वो केवल ये है, जीके रटना नहीं, जीके एक रचना है। जीके क्या है? एक रचना है, उसको रटना नहीं है दोस्तों। जितना हो सके इसको शेयर करो, फिर इसके आगे बातें करते हैं। इतने में आपके एक दो कमेंट देखता हूं, और इसको चैनल को शेयर करते रहो दोस्तों। चले दोस्तों आगे देखो, किस पंथ की स्थापना कर दी भाई? अब वीडियो को बिल्कुल लाइव, अब आपको लाइव से हटना नहीं है दोस्तों। जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहां से निकलेंगे। अब आपके जो क्वेश्चन है, मेन मेन जो चीजें हैं वो अब लिख लेंगे। किस पंथ की स्थापना कर दी उन्होंने? कांवड़िया पंथ की। किस पंथ की? कांवड़िया पंथ की। क्योंकि भेदभाव को समाप्त करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया भाई? कांवड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? कांवड़िया पंथ चलाया। देखो अब जो ये कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं, कांवड़िया पंथ की जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं क्या करती हैं? अपने पैरों में मजीरे बांधकर, अपने पैरों में मजीरे बांधकर, 13 प्रकार के मजीरे बांधकर एक नृत्य करती है, और उस नृत्य को अपन क्या कहते हैं? 13 ताली नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? 13 ताली नृत्य कहा जाता है। 13 ताली नृत्य किस पंथ की महिलाओं के द्वारा, किस समाज की महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है? कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य। अगर आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है राजस्थान पुलिस पटवार रीट में, बार बार क्वेश्चन दोहराया जाता है कि राजस्थान में 13 ताली नृत्य कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव के मेले में किया जाता है। रुडेचा जैसलमेर का प्रसिद्ध है, इसका जो सबसे बड़ा मंदिर है वो रुडेचा गाँव जैसलमेर में ही है। वहां पर कांवड़िया समाज की जो महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? इसका नाम 13 ताली क्यों पड़ा? तो देखो इसके दो कारण हैं। जो महिलाएं अपने पैरों में मजीरे बांधती हैं, उन मजीरों से 13 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए उसे 13 ताली नृत्य भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा स्वरूप है, दूसरे स्वरूप को हमें समझना है कि महिलाएं अपने पैरों में मजीरे बांधकर
अपने शरीर के बाएं हिस्से से इसको अच्छी तरह अपन याद कर सकते हैं। केवल थोड़ा ध्यान देना है कि जो ये महिलाएं होती हैं अपने पैरों में क्या बांधती हैं, मजीरें बांधती हैं और अपने बाएं हिस्से से, किस हिस्से से, बाएं हिस्से से, बाएं हिस्से से 13 प्रकार की एक्टिविटी करती हैं। क्या करती हैं? 13 प्रकार की एक्टिविटी करती हैं। 13 प्रकार की एक्टिविटी करने के कारण इस नृत्य को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। जो कहाँ किया जाता है, राजस्थान के रोड़ेचा गांव जैसलमेर में किया जाता है, बाबा रामदेव के मेले में किया जाता है। बहुत ही मोस्ट है ये कि 13 ताली नृत्य राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, तो जैसलमेर का, कहाँ का, रोड़ेचा गांव जैसलमेर का। और एक नृत्य आपसे पूछा जाता है कि लांगुरिया नृत्य कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना जो लांगुरिया नृत्य है वो कैला देवी के मेले में किया जाता है, जो कि करौली का फेमस है। कहाँ का फेमस है? करौली का फेमस है। तो 13 ताली नृत्य ध्यान रखना कि महिलाएं अपने पैरों में मजीरे बांधकर 13 प्रकार की जो एक्टिविटी करती है उसके कारण उस नृत्य को अपन क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य कहते हैं। कहाँ किया जाता है ये नृत्य दोस्तों? ये किया जाता है रोड़ेचा गांव जैसलमेर में, जहाँ पर बाबा रामदेव का सबसे बड़ा मेला भरता है। राजस्थान में सद्भावना वाला भी सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा मेला है? वो बाबा रामदेव का मेला है। तो आगे इसकी बात करते हैं। बाबा रामदेव की आगे बात करें तो अब इसके चमत्कारों की जो चर्चाएं हैं वो चारों तरफ फैल चुकी थी, इसकी जो कहानियां हैं वो चारों तरफ फैल चुकी थी, चारों तरफ बाबा रामदेव ही बाबा रामदेव हो चुकी थी, चारों तरफ जहां देखो वहां बाबा रामदेव की ही बातें चल रही थी, सब लोग बाबा रामदेव के चमत्कारों से अब तक परिचित हो चुके थे। अब जब बाबा रामदेव की चमत्कार की बात पहुंच जाती है दोस्तों कहां पर, मक्का। कहाँ पहुंच जाती है? मक्का मदीना में पहुंच जाती है। मक्का मदीना क्या है? मक्का मदीना मुसलमानों का जो सबसे पवित्र स्थल है वो कौन सा स्थल है? वो मक्का मदीना है। और इस मक्का मदीना के 5 पीरों ने, कितने पीरों ने दोस्तों, 5 पीरों ने बाबा रामदेव की परीक्षा लेनी चाहिए। 5 पीरों ने जब इसका चमत्कार देखा, इसके चमत्कार की बातें सुनी, तो वो उनको उनको इससे ईर्ष्या हुई बाबा रामदेव से। उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि बाबा रामदेव के अंदर कितना चमत्कार है, उसकी परीक्षा लेते हैं। तो वो मक्का मदीना से बाबा रामदेव की परीक्षा लेने के लिए, मक्का मदीना से इसकी परीक्षा लेने के लिए वो कहाँ आ जाते हैं? परीक्षा लेने के लिए कौन? 5 पीर। कौन? 5 पीर मक्का से कहां पहुंच जाते हैं दोस्तों? रोड़ेचा पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? रोड़ेचा पहुंच जाते हैं और बाबा रामदेव से मुलाकात करते हैं। कौन लोग? जो मक्का से 5 पीर आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा रामदेव की परीक्षा लेने आए हैं। बाबा रामदेव से उन्होंने मुलाकात की और बाबा रामदेव को अपने चमत्कार दिखाए। उन्होंने छोटे मोटे चमत्कार दिखाए किसको? बाबा रामदेव को। बाबा रामदेव चुपचाप उसके चमत्कार देखते रहे और शाम का वक्त हो गया, खाने का समय हो गया, तो बाबा रामदेव ने इनसे कहा कि चलो खाना खा लेते हैं। किनसे? उन 5 पीरों से। किससे? उन 5 पीरों से कहा कि खाना खा लेते हैं। तो इन 5 पीरों ने कहा कि हम खाना खाते हैं किसमें? जो पीर होते हैं वो अपने कटोरों में खाना खाते हैं। किसमें? कटोरों में। उन कटोरों में खाना खाते हैं। वो कटोरा हम भूल आए, उन कटोरों को तो हम कहाँ भूल आए? मक्का में भूल के आ गए। कहाँ भूल के आ गए? मक्का में भूल कर आ गए। क्यों? क्योंकि वो तो बाबा रामदेव की क्या लेना चाहते थे दोस्तों? परीक्षा लेना चाहते थे, इनके चमत्कार देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बहाना बनाया कि बाबा रामदेव जी, हम जो खाना खाते हैं उन कटोरों में, उन बर्तनों में जो हम खाना खाते हैं, उन बर्तनों को तो हम कहाँ भूल कर आ गए? उनको तो हम मक्का में ही भूल कर आ गए। अब उन बर्तनों के बिना हम तो खाना नहीं खा सकते, इसलिए आप हमारे जो बर्तन रह गए हैं कहाँ पर? मक्का में। उन बर्तनों को आप वापस ले आइए, उसके बाद ही हम क्या कहेंगे? खाना खाएंगे। तो बाबा रामदेव ने अपने चमत्कारों से कुछ चंद मिनटों में ही, कुछ सेकंडों में ही उन कटोरों को मक्का से कहाँ मंगा लिया? रोड़ेचा गांव जैसलमेर में मंगा लिया। और वो ही कटोरे प्रस्तुत कर दिए किनको? इन 5 पीरों को। किसको? इन 5 पीरों को वो कटोरे प्रस्तुत कर दिए। ये चमत्कार देखकर 5 पीरों को विश्वास हो गया और उन्होंने कहा
क्या कहा दोस्तों, यहाँ ध्यान देना, बहुत ही शानदार लाइन कही। इसके चमत्कार देखकर मक्का के 5 पीरों ने कहा, क्या कहा दोस्तों, कि हम तो पीर हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो क्या हैं, पीरों के पीर हैं। हम तो पीर हैं लेकिन आप तो पीरों के पीर हैं, लेकिन आप क्या हैं, लेकिन आप पीरों के पीर हैं, पीरों के पीर हैं। ये लाइन किसने कही है दोस्तों? बहुत बार राजस्थान पुलिस ने पूछा है कि किस लोक देवता को पीरों का पीर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बाबा रामदेव को कहा जाता है। किसने कहा है? मक्का से आए हुए 5 पीरों ने। किसने? मक्का से आए हुए 5 पीरों ने कहा कि हम तो पीर हैं लेकिन आप तो क्या हैं, पीरों के पीर हैं। ये लाइन किसके लिए कही है? ये बाबा रामदेव के लिए कही गई है। किसने कही? मक्का के पीरों ने कही। क्या देखकर? उसके चमत्कार देखकर। इसलिए बाबा रामदेव को पीरों का पीर भी कहा जाता है। आगे इसकी और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इसको आज फिनिश कर देते हैं दोस्तों। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बाबा रामदेव को आज फिनिश कर देते हैं, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन यहां से नहीं छूटे। देखो, पीरों का पीर आपने देख लिया। अब देखो इसकी जो शब्दावली है, थोड़ी सी शब्दावली को अपन देख लेते हैं। जो इसके मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, किस जाति के? मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं बाबा रामदेव के, मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रीखिया। इसके मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है दोस्तों? रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। किसके? मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। इसके जो भजन होते हैं बाबा रामदेव जी के, जो भजन होते हैं उन भजनों को कहा जाता है ब्यावले। उन भजनों को क्या कहा जाता है दोस्तों? उन भजनों को कहा जाता है ब्यावले। उसके बाद इसके जो मंदिर होते हैं बाबा रामदेव जी के, जो मंदिर हैं उन मंदिरों को रामदेवरा कहा जाता है। ध्यान रखना, बाबा रामदेव के मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? रामदेवरा कहा जाता है। और एक शानदार क्वेश्चन मेरे को याद आया है कि पूछा गया था कि रामदेवरा में रामदेव जी की किस चीज की पूजा की जाती है, तो इसको ध्यान रखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए आया था कि रामदेवरा में किस चीज की पूजा की जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बाबा रामदेव के मंदिरों को रामदेवरा कहा जाता है और इन रामदेवरों में किसकी पूजा की जाती है? बाबा रामदेव के पगल्यों की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? उनके पगल्यों की पूजा की जाती है। पगल्या बोले तो पैर, पगल्यों का मतलब क्या है? पैर, यानी बाबा रामदेव के पैरों के निशान की, पैरों के चिन्ह की पूजा की जाती है। किसमें? रामदेवरा में। किसमें? रामदेवरा में। राजस्थान में जो सबसे बड़ा रामदेवरा है वो रुड़ेचा गांव जैसलमेर में है। एक छोटा रामदेवरा भी है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि रामदेवरा में रामदेव जी की किस चीज की पूजा की जाती है दोस्तों? तो वो की जाती है उसके पगल्यों की पूजा। किसकी पूजा? उसके पगल्यों की, उसके पैरों की पूजा की जाती है। कहां पर? रामदेव, ये रामदेवरा में। उसके भजनों को क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रीखिया कहा जाता है। फिर इन रामदेवरा में 5 रंग की जो ध्वजा होती है, 5 रंग की जो ध्वजा होती है, ध्वजा बोलते हैं झंडा। ध्वजा कैसे बोलते हैं दोस्तों? झंडा को। यानी जो झंडा मंदिर पर लगाया जाता है वो 5 रंग का होता है। उन 5 रंग के ध्वजा को अपन क्या बोलते हैं? उस 5 रंग की ध्वजा को हम कहते हैं दोस्तों नेजा। क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि बाबा रामदेव की ध्वजा को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नेजा के नाम से जाना जाता है। कितने रंग की होती है? 5 प्रकार की, 5 रंग की होती है। ध्यान रखना, एक नेजा नृत्य भी होता है। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ, एक नेजा नृत्य होता है और एक नेजा 5 रंगों की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। लेकिन एक नेजा नृत्य भी होता है जो कि मूल रूप से मीणा जनजाति का है। नेजा नृत्य मूल रूप से किस जनजाति का है? मीणा जनजाति का है। लेकिन अब इस नेजा नृत्य को ज्यादातर ऐसे भील जनजाति भी कर रही है। तो ध्यान रखना, नेजा नृत्य मूल रूप से मीणा जनजाति का है। किसका है? मीणा जनजाति का है। और वर्तमान में इसको भील जनजाति अधिक करती है। एक नेजा होती है, 5 रंगों की जो ध्वजा होती है इसको नेजा कहा जाता है। भजनों को ब्यावले कहा जाता है। और बाबा रामदेव ने जो चमत्कार दिखाए, बाबा रामदेव ने जो चमत्कार दिखाए दोस्तों, उसको अपन परचा कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, अपन पर्चा कहते हैं। तो इस शब्दावली को थोड़ा ध्यान रखना कि मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है, भजनों को ब्यावले कहा जाता है, चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, और इसके जो मंदिर होते हैं उन्हें रामदेवरा कहा जाता है। और रामदेवरा में किसकी पूजा होती है दोस्तों, पगलियों की पूजा होती है। पांच रंगों की ध्वजा क्या कहलाती है, नेजा कहलाती है। और राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखना, राजस्थान का सबसे बड़ा सद्भावना वाला मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा सद्भावना का मेला किसका लगता है दोस्तों, बाबा रामदेव का। किसका लगता है, रामदेव का। तो ध्यान रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा सद्भावना वाला मेला कौन सा लगता है, बाबा रामदेव का लगता है। कहाँ लगता है, रुड़ेचा जैसलमेर में लगता है। तो दोस्तों ये बाबा रामदेव की जो मेन चीजें थी वो अपन ने पढ़ ली है, और अगली क्लास में से आगे एक पंचपीर की बात करेंगे। तो दोस्तों जितना हो सके जितना इसको शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, और फिर हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लोक देवता के साथ, एक नए पंचपीर के साथ, हम एक नया पंचपीर लेकर आपको आएंगे और उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो दोस्तों इसको शेयर करते रहो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अब अपन के अभी तो ये क्लास यहाँ सिमलवाड़ा से की जा रही है, लेकिन कुछ दिन में हम इन क्लासों का आयोजित रहे वो कहाँ से करेंगे, वो सागवाड़ा से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे। तो हमारी जो कोशिश है दोस्तों वो है कि आपके कांस्टेबल से पहले पूरा राजस्थान जीके और भी जो आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए, और आपको ज्यादा से ज्यादा सिलेबस करा दिया जाए, जिससे कि कोई भी चीज ऐसी नहीं रहे जिसको आप पढ़ नहीं पाओ। आपके लिए क्रैश कोर्स भी अपन लेके आएंगे कुछ दिन पहले, जिसमें कि मोस्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे, जल्दी जल्दी आपको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। जो राजस्थान पुलिस क्रैश कोर्स को नाम से एक नया अपन यहां पर एक टॉपिक चलाएंगे, ठीक है दोस्तों। ओके, हम फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, सभी को धन्यवाद कि आप लोग इससे जुड़े। ओके।